खुश आमदीद, खैर मुकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सही पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। वैसे कैंडिडेट्स जिनका मानू के किसी न किसी कोर्स में एडमिशन हुआ है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उस पर अलग से मैं बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए कि ये जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट कैंडिडेट को अपलोड करने हैं। कैसे अपलोड करेंगे तो आइए उसके लिए हम बिल्कुल डिटेल से बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान सही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का प्रोसेस क्या है कि अगर आप सिस्टम से हैं तो सिस्टम से, जैसा कि आप मैं करूंगा, या फिर मोबाइल पे है तो सिंपली आपको मानू सर्च करना है। आपको मानू, जैसे ही मानू सर्च करेंगे उसके बाद आपको कई सारे रिजल्ट देखने को शो करेंगे। सबसे टॉप वाला, ऊपर वाला जो आपको आएगा वो manu.edu.in से आप मैच कर लेंगे कि हाँ ये मानू का ऑफिशियल ईमेल ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ होम पेज पर आएंगे, जैसे ही हम होम पेज पर आएंगे तो मुझे एक ये पॉपअप मैसेज मिलेगा, ये कोरोना के रिगार्डिंग है, इसे हमें कट कर देना है यहाँ से। जैसे ही कट करेंगे अब कई सारे सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, होम, अबाउट, एकेडमिक सेशन, लेकिन हमें सबसे इधर लास्ट में एडमिशन पर आना है, ऑनलाइन एडमिशन रेगुलर मोड। और वैसे करने के जो मोबाइल से करते हैं उन वो लोग भी अपने मोबाइल में अगर सर्च करेंगे तो उनको टॉप कॉर्नर पे राइट साइड में थ्री लाइन दिखता है, उस लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये जो भी नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है ये सारा दिखने लगेगा। उसमें नीचे आएंगे और उसमें भी आप वो यहाँ पर चेक करेंगे एडमिशन। जैसे ही एडमिशन पर वो क्लिक करेंगे उनके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, हमें रेगुलर के बारे में करना है इस वजह से हम रेगुलर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रेगुलर पर क्लिक करेंगे तो हमें फॉर्म अप्लाई का जो साइट है या लिंक है वो हम स्क्रीन पर शो होने लगेगा। तो ये देखिए फॉर्म अप्लाई हमने इसी से किया था, हमने एडमिट कार्ड भी इसी से डाउनलोड किया था और इसी से हम अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेंगे। लेकिन एक बात को नोट कर लीजिए कि जिन लोगों का सिलेक्शन होगा वो पेमेंट करते टाइम मोज़िला फायरफॉक्स वर्जन 78, ओपेरा ब्राउजर वर्जन 15 एवफ, इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 10 या माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी ये जो चार ब्राउजर्स दिए गए हैं इन्हीं ब्राउजर्स को यूज करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो क्रोम ब्राउजर से पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है कि आप पेमेंट करेंगे बैलेंस आपका कट जाएगा लेकिन वो स्टेटस सक्सेस नहीं होगा, पेंडिंग रह जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप जो चार ब्राउजर हमने दिखाए उनमें से ही किसी से पेमेंट करना है। ये आपकी भलाई के लिए बता रहा हूं क्योंकि आपका पैसा फंस जाएगा, जब पैसा फंसता है तो आप परेशान हो जाते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, लॉग इन पर क्लिक करना है यहाँ से चार ऑप्शन में से, कहीं आपको दूसरा कुछ नहीं जाना। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हमसे मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे फिर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपको पता ही है जो आपके मेल पर आया होगा ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम। और फिर पासवर्ड अगर भूल भी गए हैं तो यहाँ फॉरगेट का पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, आपके मेल पर फिर से दोबारा पासवर्ड चला जाएगा और आप रीसेट कर लेंगे, तो वो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालिए, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम कि उन्होंने अपना आईडी शेयर किया हमें ताकि मैं उनके आईडी के थ्रू आप सबों को बता पाऊं, थैंक यू। लेकिन यहाँ देखिए आपको लेफ्ट साइड में आ जाना है, कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पर आना है। ये न्यू दिखाएगा, ये पॉपअप कर रहा है अप डाउन, इस पर क्लिक करना है और आपने जिन जिन कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा वो सारा कोर्सेज यहाँ पे दिखा देगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड पर जैसे क्लिक करेंगे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शंस आ जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। हम डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से मुझे आना है जो जो रिक्वायर्ड है वो सबको। इसमें सबसे पहले तो एक लॉजिक ये समझ लीजिए कि जहां जहां रेड मार्क लगा हुआ है दिस इज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी ये कंपलसरी है स्टूडेंट्स को डालना। चलिए हम वो डालकर भी बताएंगे। उसके बाद नीचे यहां 10th का क्लास सर्टिफिकेट है ये आपको अपलोड करना है,
ये भी जरूरी है। उसके अलावा 12th क्लास सर्टिफिकेट, ये जरूरी नहीं, अभी आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालिए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यहां पर ये सर्टिफिकेट की जगह आपको मार्कशीट डालना है, खासकर बीएड वाले अपना यहां पर वो मार्कशीट डालेंगे ताकि उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट मैच होने का, नहीं तो अगर आप कुछ और डाल देते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ओबीसी सर्टिफिकेट, जिन लोगों का सिलेक्शन ओबीसी से हुआ है वो यहां पर ओबीसी डालेंगे, और जिन लोगों का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस से होगा वो यहां पर ईडब्ल्यूएस डालेंगे, जो एससी एसटी होंगे, पीडब्ल्यूडी होंगे या जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, अगर उनका सिलेक्शन उस कैटेगरी से हुआ है तो यहां वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, अदरवाइज इसको इग्नोर करेंगे। अगर जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ या कोई कैंडिडेट जनरल का है तो वो इस ऑप्शन को इग्नोर करेगा। उसी तरीके से ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अभी आपके पास अवेलेबल है ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो उसे डाल दीजिए, नहीं है तो उसके लिए आपको 10 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहां आपको अपलोड करना है, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। बोनाफाइड या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड या कैरेक्टर एक ही होता है, आप उनमें से कोई एक डाल दें। बाज दफा कैरेक्टर आपके ट्रांसफर पर ही लिखा होता है तो ट्रांसफर को ही यहां पर भी दोबारा से डाल देंगे। अब ये तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ डालने हैं, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। डॉक्यूमेंट का जो आपका फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ जेपीजी होगा, यानी फोटो वाला जो हमारा फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में हमें डालना है, हमें पीडीएफ नहीं डालना है। डालना कैसे, उसके लिए आप फाइल पर या ब्राउज पर यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके डिवाइस में जो भी फोल्डर है, जो भी फाइल है, वो सारे फाइल्स खुल जाएंगे। और सारे फाइल्स खुलने के बाद आप अपने फोल्डर से वो फाइल सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं अपने डिवाइस से अपना मेरा जो फोल्डर है वो उसे सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपलोड हुआ है। चलिए मैं यहां पर ये अपलोड कर रहा हूं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट सिंपली मैं यहां पर एक वहां पे वो 10th का मार्कशीट पूछ रहा था, तो 10th का जो मेरे पास मार्कशीट है उस मार्कशीट को हमने डाल दिया। आपके पास जो भी है जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहां पे ये शो होने लगेगा, नीचे आप अपलोड पर क्लिक कर देना है। आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली शो किया, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया। हम ओके कर देंगे, अब यहां पर से ये दिखाने लगेगा। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड, पहले आप प्रीव्यू दिखा रहा था, अब देखिए यहां पर ये साइड में छोटा सा आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। इस डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करके अपना वो चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही डाला है या गलत डाला है। और अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, मतलब गलती से कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, तो यहां चेंज पर क्लिक करेंगे और वो डॉक्यूमेंट उसको वहां से चेंज करके अपने फाइल से जो भी फाइल सेलेक्ट करना है वो हो जाएगा। उसी तरीके से आपको 10th का क्लास का सर्टिफिकेट यहां डालना है, वो सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर करके क्लिक करेंगे यहां पे ब्राउजर पे, अपने फाइल से उस फोल्डर से उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसका यहां पर प्रीव्यू शो करेगा, और उसी प्रीव्यू के बाद यहां आपको अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे वो आपका अपलोड हो जाएगा। और हाँ, एक चीज याद रखिए, बस लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सबमिट का ऑप्शन नहीं आया। हाँ, तो सबमिट का ऑप्शन आपको नहीं आएगा, बस आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया उसका प्रीव्यू यहां पर शो करने लगा, तो इस तरीके से आप समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। आप प्रीव्यू में अपना डॉक्यूमेंट चेक करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लें, आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। और इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उसके बाद फाइनली आप यहां पर शो अपलोडेड एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट यहां पर शो होने लगेंगे। और जो आपने डॉक्यूमेंट डाला है वो वेरीफाई के, वो एडमिशन के टाइम आपका वेरीफाई होगा, मतलब कि अभी आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, फिर आपको जब यूनिवर्सिटी ऑफलाइन ओपन होगा तो उस टाइम अपने ओरिजिनल यही डॉक्यूमेंट सारे के सारे शो करने पड़ेंगे। तो हमने यहां पर सिंपली एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, इस वजह से मेरा एक ही दिखा रहा है आपको, मैं प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकली दिखाया हूं। बट आपको क्या करना है कि आपको यहां पर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे फाइनली आपको शो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, जिससे आप चेक कर पाएंगे कि हमारा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है और सही जगह पे हुआ है या नहीं हुआ है।
तो इस तरीके से इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। सभी कोर्सेज वालों के लिए यही प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिजवान सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाजत, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।